सच्चा गिरोह चोर की झूठी अफवाहें फैलाने वाले लोगों की अब खैर नहीं। पुलिस थाना रक्कड़ के परिसर में बच्चा चोर गिरोह की अफवाहें उड़ रही हैं। इंडिया ऐप 112 ट्रैफिक कानून और नशे कारोबारियों के खिलाफ एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन SHO सुशील कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें रक्कड़ चोली सरद डोगरी बणी चपला चमुखा कुहाना गरली आदि कई पंचायतों के दर्जनों प्रतिनिधियों सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर विशेष तौर पर पहुंचे DSP तिलक राज ने तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को इन दिनों बहुचर्चित बच्चा चोर गिरोह की उड़ रही अफवाहों, इंडिया ऐप 112 ट्रैफिक कानून एवं नशे कारोबारियों के खिलाफ एकजुट होने के बारे में जागरूक किया। DSP तिलक राज ने मौजूद तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को जोर देते हुए कहा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बच्चा चोर गिरोह की मात्र झूठी अफवाहें हैं, ऐसी अफवाहों से हमें सावधान रहना होगा। इन्होंने कहा कि अगर इलाके में कोई भी ऐसी झूठी अफवाहें फैलाता है तो पुलिस नियमों अनुशासन से उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। DSP तिलक राज ने कहा कि इलाके भर में तेजी से बढ़ रहा नशा हर किसी के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगर अवैध रूप से नशे का कारोबार करने वाले तमाम कारोबारियों को जड़ से समाप्त करने के लिए स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों व अन्य गणमान्य लोगों का साथ मिलता है तो पुलिस ऐसे शातिर कारोबारियों को हवालात पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आज यहां रक्कड़ में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के सभी प्रधानों ने इसमें भाग लिया है। मीटिंग का मेन मुद्दा ये था कि आजकल जो हवाएं फैल रही हैं कि बच्चों को कोई गिरोह भागे ले जा रहे हैं, ये हिमाचल में अभी तक हमारे इलाके में तक मात्र हवाएं हैं, ये इसमें कोई सत्यता अभी तक पाई नहीं गई है। ना ही हमारे पास आज तक कोई ऐसा मैटर रिपोर्ट हुआ है किसी को कोई बच्चा कोई बच्चे को कोई भागे ले गया है। इस बारे में लोगों को मैंने अवेयर किया है कि अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें, अपने ग्राम पंचायत में जाके झूठे मैसेज के ऊपर विश्वास ना करें, पहले वेरीफाई कर लें, थाने में फ़ोन करके पूछ लें। और इसके अलावा मैंने ट्रैफिक के ऊपर थोड़ा अवेयर किया कि बिना हेलमेट ना चले, हेलमेट बहुत ज़रूरी है टू व्हीलर चलाने के लिए। इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग के लिए थोड़ा अवेयर किया गया, और बच्चों में जो बढ़ती नशे की प्रवृत्ति है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, हम घर में बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी चेंजेस अगर सोसाइटी में लाने हैं तो घर से शुरू होते हैं। तो मैंने इनसे ये सबसे मेरी यही अपील है, चाहे ट्रैफिक से रिलेटेड मुद्दा हो चाहे नशे से रिलेटेड मुद्दा हो, हम अपने बच्चों को अपने घर में अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छा बुरा घर में ही बताएं, तो आगे चल के वो अच्छे नागरिक बनेंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।